तो कैसे हो आप, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मेरे पास बहुत इंक्वायरी आती थी कि सर आपकी मशीन थोड़ी महंगी है, आप सस्ती कीजिए, तो दोस्तों आप लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है जो आप लोगों के लिए किफ़ायती रहेगा, बहुत ही छोटी लेवल में बनाया है ताकि हर कोई, एक गरीब तबके का लोग भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने दो पैकेजिंग मशीन है, एक फुल न्यूमेटिक है और एक हमने नया इवेंट किया है, इसको बोलते हैं हाफ न्यूमेटिक मशीन। दोस्तों सेम ही कैपेसिटी में है ये, 10 ग्राम से 250 ग्राम में ही पैक करेगी ये, और मसाले हो गए, चाय होगी, स्नैक्स होगी, कोई भी आइटम इसमें पैक कीजिए, 10 ग्राम से 250 ग्राम तक ये भी पैक करेगी, कोडिंग भी लगाएगी, पाउच में एयर भी भरेगी, लड़ी भी बनाएगी। तो दोस्तों सिर्फ इसमें फर्क इतना है, जैसे कि हमने आपने देखा कि हमने ये एयर वाले पाउच निकाले हैं, अब हमने इसमें जो भी प्रोडक्ट पैक करा है, स्नैक्स आइटम जो भी हमने इसमें पैक करा है, इसमें थोड़ी ये है कि 2 से 4-5 दिन के बाद इसमें एयर का लीक होना लाजमी है, इसमें एयर लीक हो सकती है, एयर इसमें डटी रहे इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं दे पाएगा। जैसे कि मार्केट में आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां जो हाफ न्यूमेटिक मशीन बना रही हैं और पूरी गारंटी देती है कि हम एयर लीक नहीं होने की गारंटी देंगे, वो सब झूठ बोल रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। हाफ न्यूमेटिक मशीन में कभी भी एयर नहीं रुक सकता, हाफ न्यूमेटिक मशीन में एयर लीक होना ही है। ये मशीन ज़्यादातर जो यूज में आएगी अपना, जैसे कि चाय की पत्ती होगी, मसाले हो गए या ड्राई आइटम हो गए जिनमें एयर नहीं डलती, उसमें ये यूज में आएगी। बाकी एयर वाले पाउच के लिए आप जैसे देख रहे हैं फुल न्यूमेटिक मशीन जिसमें डबल असेंबली लगी हुई है, जिसमें सीलिंग पोर्शन अलग है और रोलिंग पोर्शन अलग है, हॉरिजेंटल का अलग है, और पूरी एसएस की मशीन है ये, इसलिए इस मशीन का 20 से 30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होता है हाफ न्यूमेटिक मशीन के मुकाबले। आप इसमें देखिए, इसमें अगर आप 250 ग्राम का कोई भी प्रोडक्ट पैक करोगे, एयर के साथ भी आप पैक करोगे, पाउच बिल्कुल नहीं खुलेगा। आप पाउच के ऊपर चढ़ जाएं, पैर रख दें अपना, तो बिल्कुल पाउच नहीं खुलेगा। दोस्तों ये हाफ न्यूमेटिक मशीन कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस मशीन में आप देख रहे हैं डायरोलर सिस्टम है, इसी के अंदर हम लोगों ने हीटर लगा दिया है। ये क्या करता है कि पाउच को पुल करता है और उसको सील करता है, और नीचे जो असेंबली लगी हुई है ये हॉरिजेंटल असेंबली है, ये पाउच बना देती है। तो जो पाउच को रोल खींचता है वो सील कर देता है, जब वो पाउच को सील करता है तो वो इतना प्रेशर नहीं दे पाता कि वो एयर को पैक कर सके। जब एयर पैक पूरे प्रेशर नहीं मिलेगा तो एयर पैक हो जाएगी शुरू में, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे लीक हो जाएगी, जिससे कि आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि खराब हो जाए और मार्केट से आपकी लड़ी या जो भी प्रोडक्ट आपने बेचा वो वापस आ जाए। तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी यूट्यूब वीडियो पे भी देखा होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि पाउच के ऊपर चढ़ जाओ, हाफ न्यूमेटिक मशीन के ऊपर पाउच के ऊपर चढ़ो, बिल्कुल लीक नहीं होगा, वो बिल्कुल सरासर गलत बोलते हैं। देखिए हाफ न्यूमेटिक मशीन का जो भी पाउच होगा आप चढ़ जाओ, धीरे धीरे वो पाउच लीक हो जाएगा, मिल जाएगा। ये देखिए हाफ न्यूमेटिक मशीन के पाउच में इतना दम नहीं हो पाता कि वो एयर को लीक कर पाए, यानी कि वो पाउच के सेंटर सील को इतना प्रेशर नहीं दे पाता कि वो एयर को रोक ले या प्रेशर को वो लॉक कर दे। फुल न्यूमेटिक मशीन में क्या होता है, उसमें 6 किलो का प्रेशर सेंटर सील में लगता है और 8 किलो का प्रेशर लगता है हॉरिजेंटल में, जिससे कि पाउच आपका अगर हल्का भी है पाउच
माइक्रोन कम है तो भी आपका पाउच फट जाएगा लेकिन लीक नहीं होगा। फुल्यूमेटिक मशीन का सिस्टम ये होता है कि इसमें डबल असेंबली लगी हुई होती है, एक इसमें क्या होता है डायरोलर होता है, सीलिंग के लिए अलग होता है, पुलिंग के लिए अलग होता है और हॉरिजॉन्ट पाउच बनाने के लिए अलग होता है। जैसे आपने देखा कि डायरोलर सिस्टम ये पाउच को नीचे खींच देता है, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल असेंबली लगी हुई है ये क्या करती है, जो सेंटर की सील होती है उसको पूरा प्रेशर देती है, उसके बाद जो नीचे की असेंबली लगी हुई है ये पाउच की लड़ी बना देती है। उसके बाद आप पाउच को पानी में चेक करें या पाउच के ऊपर चढ़ जाए, जितना भी आपका वजन है पाउच बिल्कुल नहीं खुलेगा, तो इस मशीन में एयर लीक होने के चांस नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए किफ़ायती मशीन फुल्यूमेटिक किस लिए है, वो इसलिए है, मान लो आपने 1,20,000 रुपये या 30,000 रुपये जो भी मशीन का अमाउंट है हाफ न्यूमेटिक मशीन ले लिया, आपने चाय की पत्ती के ले लिया, बाद में आपका मान लो बाई चांस सीजनेबल काम है, बाई चांस आपका चाय की पत्ती नहीं चला, आपने सोचा कि चलो इसमें आप स्नैक्स पैक कर लेते हैं, अगर आप इसमें स्नैक्स पैक करते हैं तो जाहिर सी बात है एयर लीक हो गया, 1,20,000 रुपये आपका वहाँ पे होल्ड हो गया। अगर 10,000-20,000 रुपये 30,000 रुपये आप एक्स्ट्रा देके ये वाली मशीन लेते हैं तो इसमें आप मल्टीपर्पज मशीन हो गई, कुछ भी आइटम पैक कीजिए, आप चाहे तो इसमें फिर चाय की पत्ती पैक कीजिए, चाहे मसाले पैक कीजिए, चाहे आप स्नैक्स आइटम में कोई भी आइटम पैक कीजिए, यानी कि 1,20,000 रुपये अगर आप इसके देते हैं तो 10,000-20,000 रुपये एक्स्ट्रा डाल के आप फुल न्यूमेटिक मशीन इस ऑप्शन पर जा सकते हैं, जो सबसे बेटर और किफ़ायती ही रहेगा आपके लिए। ना कि दो मशीन लें, एक ही मशीन लें और उसमें अपना मल्टीपर्पज काम स्टार्ट करें। धन्यवाद। और कुछ